हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर एंड दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ एमसीक्यू ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ एफएमएम। हमने इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर अभी तक सिर्फ दो ही पार्ट बनाए मैंने, ये थर्ड पार्ट है तो आप इसको देख सकते हैं। और गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पर ना मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया था, तो बहुत दिनों से उसमें कुछ बच्चे थे जो कि मतलब थोड़ा बहुत बातचीत करते थे बट ज़्यादा नहीं करते थे। कल रात में मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने वहाँ पे बहुत सी बातें करी और अपने अपने डाउट्स वो लोग सॉल्व कर रहे थे, एक दूसरे से कुछ पूछ रहे थे, सीख रहे थे। तो अगर आपको भी चाहिए कि मतलब जैसे कि ऐसा टाइम चल रहा है कि हम कभी आप पता नहीं स्कूल जा रहे होगे नहीं जा रहे होगे, तो कोई कुछ क्वेरीज होती हैं, आपको कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, कुछ देना है, कुछ शेयर करना है, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, अपने क्लास के बच्चे आपके हो सकते हैं जो कि अलग अलग जगहों से आपसे बात कर सकते हैं। तो एक अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने वहाँ पे बात किया, डिस्कशन किया। तो अगर आप चाहते हो तो आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मुझसे भी पूछने का मौका मिल सकता है, हम लोग अपनी भी कुछ क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं और आपस में आप भी अपनी कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAN, पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट्स नंबर, पुलिस अकाउंट नंबर या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहले और दूसरे में आपको, तीसरा तो चलो गलत ही है, नन ऑफ द अबव भी गलत ही ऑप्शन है, पहले और दूसरे में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये गलत जो दूसरा मैं अगर बोलूंगी कि भाई दूसरा गलत है, तो वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स है, ठीक है, पर इसका सही ऑप्शन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट्स नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर तो 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCFM? NCFM जिसके थ्रू आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, नेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, नेशनल क्लाइंट इन फाइनेंशियल मार्केट या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर या ये क्वेश्चन ऐसा है, या तो आपको इसका आंसर पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है, इसमें आप कुछ एलिमिनेशन भी लगा नहीं सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पहला, NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। आपका जो ये कोर्स चल रहा है जो कि आप हो सकता है आपने 11th से परस्यू किया हो या फिर आपके पास 9th से ये FMM हो, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CBSE दोनों का कोलेबोरेशन के साथ हमको ये सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आपको NSE की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है फाइनेंशियल मार्केट की, समझ लो आपको एक डिग्री मिल गई बेसिकली कि आपने 4 साल की पढ़ाई की है इसकी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है पूरे ज़िंदगी भर की, भाई आपने ये किया है। अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RBI, जो कि बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बट हो सकते हैं कोई कोई नमूने जैसे बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें भी पता नहीं होती हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि RBI की फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAT, SAT। SAT का फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिक्योरिटी अप्लाई टेबल, सिक्योरिटीज अप्लाई ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो जो पहला है वो गलत है, दूसरा है वो गलत है, चौथा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। और तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर S नहीं है, यहाँ पर S लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर चीज़ है, ट्रिब्यूनल है जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछताछ करनी है, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पर जाके बातचीत कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका क्या इशू हो रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 25th क्वेश्चन हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज ट्रेडिंग स्टार्टेड इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये जो करेंसी डेरिवेटिव वाला जो सेगमेंट है,
ठीक है, जहाँ पे हमारे को सीडी सेगमेंट के बारे में बता रखा है, उसकी लास्ट लाइन से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आप वहाँ पे ना उस वाला जो वो पैरा है उसमें 3-4 डेट्स हैं, तो वो डेट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि करेंसी डेरिवेटिव की कमेंसमेंट कब हुई, August 29, 2008 को हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो आ जाता है, 2-3 डेट्स हमको दिख जाती हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको याद रखना। और अब मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की जो ट्रेडिंग है वो सीडी सेगमेंट में कब स्टार्ट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है August 31, 2009। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हमारे August 31, 2009 से शुरू हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 26th क्वेश्चन। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो IEPF, ये जो आपको दिखेगा IEPF, अब इसका मैं इसको आपको फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी दे सकती थी, पर मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को पता था कि मैं यहाँ पर इसको बता सकती हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगी कि मिनिस्ट्री किस में, किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको शुरू किया है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। और ये इन्वेस्टर को एडुकेट करने के लिए है, उनको बचाने के लिए है कि किसी भी फ्रॉड से वो फंस ना जाए किसी फ्रॉड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो फंड है IEPF, इसको एस्टेब्लिश किया गया है। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइज करती है सेमिनार्स, वेबिनार्स, ताकि इन्वेस्टर की जो अवेयरनेस है फॉर सिक्योरिटी मार्केट ये ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब आते हैं अपने 27th क्वेश्चन पे। What comes under Securities Contracts Regulation Act SCRA 1956? अब ये जो एक्ट है ना गाइज, इसको भी आपको याद रखना है किस तरीके से ब्रैकेट है, आपने देखा होगा। और ये जो ब्रैकेट लगाने का तरीका है ये कुछ गलत हो गया है, बट यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट है, आप इसको देख सकते हो, ये कुछ एरर हो गया है टाइपिंग वाला। तो ये आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, रेगुलेशन ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद एक्ट है, ठीक है। और ये एक्ट कब पास हुआ, 1956 में पास हुआ। अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 के जो एक्ट है उसके अंडर ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज़। चौथा जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड है MCQ के हिसाब से, पर पॉइंट के हिसाब से चौथा माना जाएगा, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट आर म्यूचुअल फंड्स। और पांचवा है इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज़। तो आपको ये बताना है कि सिक्योरिटीज़ के डिफिनेशन के अंडर इस एक्ट में उनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये पांचों जो चीज़ें हैं यहाँ, ये तो जो पहला वाला, ये तो सिर्फ पहला ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी तीसरा, बहुत गंदी मच गई, अब इसको साफ कर देती हूँ, हाँ, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव स्कीम जो है ये चौथा, जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज ये है पांचवा, ठीक है। ये पांच चीज़ें इस एक्ट के अंडर, सिक्योरिटी वर्ड के अंडर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अब। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 28th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ दी ऑप्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर न्यू मेंबरशिप। इनमें से कौन सा ऑप्शन न्यू मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स अंडर एक पार्टनरशिप वाला जो एक्ट है इसको आपको याद रखना है, जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। 3 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सब्सिडरीज ऑफ बैंक्स, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इंगेज होती हैं, या फिर चौथा जो कि इन्वेस्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन्वेस्टर, ठीक है। अब हम करेंगे अपना 29th क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज नॉट द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप एट NSE। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मेंबरशिप लेने जाओगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कैपिटल एडिक्वेसी, ओन्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट।
तो देखो मैंने थर्ड पे टिक नहीं लगाया और यही आंसर जो है हमारा वो सही है, क्योंकि ये जो तीनों है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि IFSD इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक अच्छी एडुकेशन होनी चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक नेटवर्थ होना चाहिए। तो ये सारी थी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस, ठीक है। बट उसमें हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा था कि आपको एक स्टॉक एक्सचेंज भी ओन करना है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई दूसरा बंदा अपना स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठ जाएगा, है ना। तो ये नहीं है, ये गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप उसको जो जहाँ भी क्वेश्चन में नॉट आएगा आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने नॉट को देखा ही नहीं और किसी चीज़ को भी लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। FIIS की फुल फॉर्म आपको मुझे कॉमेंट्स में बतानी है, और मैं देख रही हूँ 100-100, 200-200 बच्चे वीडियोज़ को देख ले रहे हैं पर जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर नहीं दे रहे। तो गाइस प्लीज ऐसे मत करो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू राइट दैट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इससे क्या होगा आपकी एक आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपने लिख दिया। इट्स ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आता है तो आपको लिखना नहीं चाहिए, आपको अगर आपको आता है तो भी लिख दो, नहीं आता तो आप देख के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप ट्राई करो कि आप ज़रूर लिखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।